जय जय माता दी। मित्रों, कर्म कर्म ही एक ऐसा चीज है जिससे कि व्यक्ति कुछ भी चीज को हासिल करता है, कुछ भी चीज को प्राप्त करता है या फिर किसी भी चीज को खो देता है कर्म के कारण और कर्म से ही। कलयुग केवल कर्म आधारा अर्थात इस मृत्यु लोक में सिर्फ और सिर्फ कर्म ही एक रास्ता है जो आपकी मनोकामना को सिद्ध कर दे। याद रखिएगा, कर्म एक ऐसी चीज है जिसके लिए प्रकृति भगवान जो है मजबूर है उस चीज को देने के लिए या फिर किसी चीज को छीनने के लिए। वह कुछ भी नहीं करता है, जो प्रकृति है वह कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म के आधार पर आपको चीजों को देता है या फिर आपसे छीना जाता है। अर्थात एक तरह से अगर गौर से देखोगे तो आप खुद भगवान हो, बशर्ते आपको इसका ज्ञात या फिर चेतन होना चाहिए कि आपको कर्म किस तरह से करना है ताकि आप हर मनोकामना को सिद्ध कर सकें। हर व्यक्ति अचेतन अर्थात मदहोशी में बेहोशी में कर्म करते हैं बिना किसी चेतन अवस्था में। उसे ही आपको चेतना में लाना है और चेतना में लाकर उसे जब आप एक सही नियम से करेंगे तो वह कर्म आपको मनोकामना सिद्धि कराएगा। कर्म जो है बहुत ही मर्म है इसका, बहुत ही गोपनीय, बहुत ही शक्तिशाली तत्व है, चीज है या फिर आपकी समझ में जो भी एक परम रहस्य है वह समझ सकते हैं। लेकिन इतना समझ लीजिए कि कर्म के आधार पर आप भगवान को भी नीचे ला सकते हैं। यह सत्य है और सनातन से भी सिद्ध है। प्राचीन से प्राचीनतम अगर आप चीजों को भी देखेंगे, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि या फिर कोई भी हुए हैं जिन्होंने कठिन तपस्या की है, यहां तक कलयुग में भी ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने परम तपस्या से अपनी सिद्धि को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया और भगवान को भी प्राप्त किया है। तो कर्म जो है छोटी मोटी चीज नहीं है मित्रों, आप कर्म को समझ सकते हैं। इसमें इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि इससे भगवान तक को आप नीचे ला सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर इस मृत्युलोक अर्थात सांसारिक वस्तु, मृत्युलोक अर्थात सांसारिक वस्तु की बात कर रहा हूं मैं, इसमें से कोई भी चीज को आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको कर्म का ज्ञान होना अनिवार्य है। ज्ञान सही कर्मों का होना चाहिए कि आप किस कर्म से किस फल को प्राप्त करेंगे। कर्म के भेद को जब आप जान जाएंगे, चेतन अवस्था में आकर कर्म करेंगे तो हर मनोकामना सिद्ध होगा। और चूंकि सृष्टि का नियम है कि कोई भी चीज तुरंत ही आपको नहीं मिलता, याद रखिएगा, जब आप एक आम का पेड़ भी बोएंगे तो वह तुरंत फल नहीं देगा। उसे आप पानी से सींचेंगे, उसे बड़ा करेंगे, तब जाके एक समय बाद वह फल देगा जिसे आप खा सकते हैं। तो उसी तरह कर्म की परिधि है, कर्म जो है मनोकामना सिद्धि कराएगा। चाहे अच्छे कर्म करोगे वह भी आपको परिणाम देगा या बुरे कर्म अनजाने में करोगे वह भी आपको परिणाम देगा। याद रखिएगा, जब व्यक्ति के साथ कुछ भी बुरा होता है, कुछ भी गलत होता है, तो वह सिर पीटता है, हाथ पीटता है, हाथ मलता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल वह कोई भी चीज आपके सामने जो प्रस्तुत हुआ है, जो आपके सामने घटित हो रहा है, वह आपके कर्म का परिणाम है। इस रहस्य को अगर आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो इतने में ही आप पूर्ण रूप से इस सांसारिक चक्र से आगे निकल सकते हैं, अर्थात प्रकृति से ऊपर उठ सकते हैं, संसार से ऊपर उठ सकते हैं और उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जिसे सिद्धि कहा जाता है, जिस सिद्धि को बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संतों ने अनुभव किया है। उनके अनुभव में है लेकिन आपके अनुभव में नहीं है। जिस तरह से आपके अनुभव में जो चीज है, आप एक कंप्यूटर चलाते हैं उसमें कीबोर्ड को आप दबाते, तो वह आपके अनुभव में है। बाकी के अनुभव में जो नहीं चलाता उसके अनुभव में नहीं है। उसी तरह जो आत्मज्ञान है, जो सिद्धि है, वह सिर्फ और सिर्फ सिद्धों के अनुभव में है, आपके में नहीं है। इसीलिए यह भेद है। तो अगर आपको मनोकामना सिद्धि करना है कोई भी कार्य में, तो सबसे पहले तो एक चीज मन में जरूर बांध लीजिएगा कि कलयुग में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है
और कोई रास्ता ही नहीं है, वह रास्ता है कर्म का। कर्म कैसे करना है यह ज्ञान होना जरूरी है, और कर्म से ही आप कोई भी चीज को पा सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि किसी भी चीज को किसी भी तरह से आसानी से पा सकते हैं, तो बैठे बैठे तो शेर के मुख में हिरण भी नहीं आता, यह तो सत्य है। तो कर्म की शुरुआत होती कहां से है, कर्म है क्या, इसके बारे में मैं आपको गहराई से बता रहा हूं। यह मर्म है, अर्थात रहस्य है कर्म का। कर्म की शुरुआत आपकी सोच से होती है, सोच के बाद आपकी भावनाएं, भावनाओं के बाद वह मूर्त रूप लेती है आपके शारीरिक क्रिया से, और वही क्रिया जो है परिणाम देती है। अर्थात अगर आप अपने सोच को, अपने विचार को आप अपने अधीन कर सकते हैं, तो आप अपने कर्मों को भी अपने अधीन कर सकते हैं और आने वाले परिणामों को भी अपने अधीन कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य में जो सबसे बड़ी चीज है वह है मन। मन ही उसे चलाता है और मन ही उसे अपने अनुसार करता है। तो मन ही सोच को आपके पूरी तरह से कंट्रोल करके रखता है, और मन ही है जो आपके विचारों को चलाता है। अगर आप उसे अपने अनुसार कर लें, सोच और विचार, उसके बाद उसमें आपकी भावनाएं जुड़ेगी, फिर वह शारीरिक रूप में क्रिया में आएगा। यह सब मिलकर कर्म बनेंगे। कर्म के बाद आपको कोई भी परिधि में पहुंचकर परिणाम मिलेगा। कर्म का रहस्य बहुत ही बड़ा है मित्रों। इसे जितनी गहराई से समझोगे, उतने चेतन अवस्था में आप कर्म को करोगे, और जो भी परिणाम मिलेगा वह आपको सकारात्मक मिलेगा, और ऐसा परिणाम मिलेगा जिससे कि आप अपनी जिंदगी में खुशहाली को प्राप्त करोगे, ना कि सिर पीटने वाली स्थिति, बुरी स्थिति। वह भी आपके ही कर्मों से आया है, बशर्ते यह है कि आपने किया क्या है यह आपको जानकारी नहीं, या फिर जानकारी है भी तो भी उसे आपके मन ने करवाया है, क्योंकि मन आपके अधीन नहीं है। तो कर्म का रहस्य एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं है, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बताऊंगा। अगर आप इन सब बातों को जानकर फॉलो करते हैं, तो काफी हद तक आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को, या फिर आपके जीवन में जो भी परिस्थिति उत्पन्न होती है, उसे आप अपने अनुसार चला सकते हैं। जय जय माता दी मित्रों।